नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज विथ माही में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आया है, अगर आपके अकाउंट में आया या नहीं, आप किस तरीके से देखें कि आपके अकाउंट में अभी तक पैसा आया या नहीं आया, किस कारण से नहीं आया है आप ये भी देख सकते हैं, और इसका क्या कारण है, आप किस तरीके से इसमें सुधार कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज विथ माही को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना होगा PM। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख कर आ गया है PM किसान .gov.in। आपको सिंपली सर्च गोटू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहां से देख सकते हैं, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपके सामने इस तरीके से खुलकर सामने आ जाएगा इंटरफेस। आप यहां से बेनिफिट, आप यहां पर जितने लोगों को इसका लाभ मिला है उनकी सूची भी देख सकते हैं। यहां पर आप लाभार्थी की का स्टेटस देख सकते हैं कि पैसा किस कारण से आया या नहीं आया, अगर नहीं आया है तो किस कारण से नहीं आया है। आप यहां पर आधार एडिट, आधार फेलोर रिकॉर्ड, अगर आपके आधार कार्ड संबंधित कोई समस्या है तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। अगर आप न्यू फार्मर हैं, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ, एक दो दिन में बनाकर अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिंपली हमको देखना है कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया है, इसका क्या कारण है, तो सिंपली हमको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इससे पहले दोस्तों, जैसे ही क्लिक कर देंगे, जैसे ही हमारे सामने इंटरफेस खुलकर आएगा, यहाँ से हम तीन माध्यम से पता कर सकते हैं, अपने खाते की डिटेल, खाता संख्या से और आधार नंबर से, और इसके बाद मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। आप यहां पर देख सकते हैं, आधार नंबर, खाता संख्या, मोबाइल नंबर, तीन माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल से देखना है तो सिंपली आपको मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपको खाता संख्या से देखना है तो सिंपली आपको इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आप जिस माध्यम से देखना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर लें, अपना आधार कार्ड संख्या सेलेक्ट लिख लें, इंटर कर लें। इंटर करने के बाद आपको डेटा प्राप्त करें इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहां से अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं, आपका पैसा क्यों नहीं आया है। तो सिंपली हम जूम करके आपको दिखाई देते हैं। जूम करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं पंजीकरण की स्थिति, पंजीकरण क्रमांक। इसके बाद आप यहां से देख सकते हैं पंजीकरण तिथि, कब आपने पंजीकरण कराया है। यहां पर आप देख सकते हैं सक्रिय हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं बैंक की स्थिति, PMMS बैंक द्वारा किसान रिकॉर्ड को अस्वीकार कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बैंक का जो रिकॉर्ड हम लगाया था इन्होंने, उस रिकॉर्ड को बैंक ने मानने से स्वीकार कर दिया है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यहां पर दिया गया है, बैंक अस्वीकृति का कारण है। यहां पर डेटा अस्वीकृति कारण, बैंक द्वारा अस्वीकृत बैंक खाता संख्या के अनुसार अमान्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो खाता संख्या इंटर हुआ है वो अमान्य है। अब हो सकता है कि साइबर कैफ़े के यहाँ ऑनलाइन कराते वक्त कोई गलती साइबर कैफ़े ने कर दी हो, इस कारण से इनका
जो पैसा है वो नहीं आया है। अगर आपका पैसा आ गया होता तो यहाँ पर आपको डेट मिल जाती तीनों में, जिस डेट को आया होगा। और यहाँ पर UTR एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पर शो कर दिखाया होता है, और यहाँ पर लिखा होता कि आपका भुगतान सफल हो गया है या आपको दे दिया गया है। दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आप किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो दोस्तों अगर कोई गलती है आपके फॉर्म में तो आप CSC या कॉमन सर्विस सेंटर सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर इसको सही करवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए एक वेबसाइट होती है, एक पासवर्ड होता है जो सहज जन सेवा केंद्र वालों को प्राप्त होता है। इसके माध्यम से वो आपका डाटा करेक्ट कर देंगे, सही कर देंगे। इसके बाद आप लाभार्थी की सूची, आप यहां से सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको इस सूची पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जल्दी से हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जिसको जिला बोलते हैं, जिला सेलेक्ट करना होगा। जल्दी से हम अपना जिला भी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से अपना ज़िला। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट मतलब आप अपनी तहसील, आपकी तहसील क्या है, तहसील सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप किस ब्लॉक में रहते हैं, आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना गांव सेलेक्ट करना है। हम जल्दी से अपना गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। जल्दी से हमने अपना गांव भी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर हमने स्टेट सेलेक्ट किया, इसके बाद यहां पर ज़िला, इसके बाद यहां पर तहसील, फिर इसके बाद हमने ब्लॉक सेलेक्ट किया, इसके बाद सिंपली अपना गांव यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहां पर गेट रिपोर्ट पर सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो चुकी है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये इस सूची में आप देख सकते हैं आपका नाम है या नहीं। अगर इस सूची में आपका नाम नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर 1, 2, 3 के लिस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर 10 से ज़्यादा लिस्ट उपलब्ध हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना में आपको लाभ हुआ है, आपका पैसा आया है, आया है या नहीं आया। इस तरीके से आप लिस्ट और अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।